जमजम एक बात को ना अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी कुछ भी प्लान अगर आप करने लगो ना तो अपने दिमाग को ना रेडी करना होता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप ही, पर हमारे इस प्लान से क्या ताल्लुक, हम तो बच्चे हैं। अरे अगर हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, प्लान तो सोच सकते हैं ना। देखो जमजम, गर्मी का मौसम है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो अब प्लान तो करना पड़ेगा ना पैसे निकलवाने के लिए। उसी बात को मैं सोच रही हूँ कि पैसे कहाँ से लेके आऊं, पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है और पापा भी पैसे भी नहीं देंगे क्योंकि पॉकेट मनी का वक्त नहीं आया। यही मैं कह रही हूँ कि प्लान कुछ सोचो जिससे हम कुछ खा तो सके, इतनी गर्मी लग रही है, कुछ पीना, कुछ ठंडा, कुछ आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, तो सोचो। अरे आप सोचोगी ना, मैं क्यों सोचूं, मैं तो बच्ची हूँ ना। सोचना नहीं, सोच लिया है। समझम, आपको तो एक्टिंग का शौक है ना, एक्टिंग करोगी? हाँ करूँगी, पर अच्छा रोल मिलेगा तभी करूँगी, वरना मैं नहीं कर रही। अरे एकदम सॉलिड रोल है, सुपर हिट। कौन सा, हीरोइन बनना है क्या? नहीं, हीरोइन का भी कोई रोल होता है? भिखारी का रोल। मैं दे रही हूँ ना, सॉलिड रोल है, इसमें हम दोनों का फायदा है। अच्छा, इसका फायदा क्या, पैसे वैसे भी तो मिलेंगे ना, अगर पैसे वैसे नहीं मिलेंगे ना तो फिर मैं भिखारी का भी रोल नहीं करूंगी। अरे जमजम, इसीलिए तो मैंने आपको भिखारन का रोल दिया है। देखो, तुमने बनना है भिखारन, ठीक है, और मैं बनूंगी आपकी बड़ी बहन, और जो पैसे हमारे पास आएंगे उससे हम दोनों खाएंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम? हाँ आइसक्रीम, वो भी बहुत महंगी वाली। बोलो मंजूर है? क्या सोचियो, मैं मान जाऊंगी? पागल हो गई हो क्या, इस छोटी उम्र में मैं कब मर जाऊंगी? ना भाई ना, अपने साथ से तो मुझे भी मरवाना है आपने। घर वालों ने देख लिया ना भीख मांगते वक्त, तो फिर हमारी दोनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। पागल हो गई हो क्या, अपने मोहल्ले में कौन मांगता है, हमारे मोहल्ले में तो पहले इतने गरीब हैं। तो फिर कहाँ मांगेंगे? अरे हम बहुत दूसरे मोहल्ले में जाके मांगेंगे जहाँ पे हमें कोई जानता ना हो। हेलो अभी, आपने तो पहले से ही सॉलिड प्लान बना के रखा है। ये कहाँ गुम हो गई हो, बोलो बोलो। अरे आपे, है तो ये बहुत खतरनाक प्लान, पर आइसक्रीम की खातिर मैं कुछ भी कर दूंगी क्योंकि आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। चलो फिर भीख मांग ले। चल चल। लेकिन पापा एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, कंजूसी तो बुरी बात होती है ना, अल्लाह ताला को ये चीज नहीं पसंद, आपको पता है कि अगर कोई जरूरतमंद है, हाँ। आपके पास पैसे भी हैं, हाँ। आप उसे दो भी ना, तो ये तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे आपको तो देने चाहिए उन्हें। अरे बेटे बात को पहले समझो, मैं कहना क्या चाह रहा था। अच्छा छोड़े पापा इस बात को, घर चलते हैं, आगे इतना टाइम हो गया। चल। अंकल। जी बेटे। ये मेरी छोटी बहन है, हम दोनों मुसाफिर हैं, हमारा बैग वगैरह सब कुछ चोरी हो गया है, घर तो दूर की बात, हमारे पास कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं है। आप हम दोनों बहनों की मदद कर देंगे जिससे हम घर भी जा सके और कुछ खा भी सके? शकल से तो तुम लोग अच्छे भले घर के लगते हो। अंकल हमने कब कहा है कि हम गरीब घर के हैं? वो दरअसल अंकल हमारी मजबूरी है। हाँ। वो अंकल ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे पास पैसे भी थे और कपड़े भी थे एक बैग में, लेकिन वो सारा बैग ही चोरी हो गया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। अंकल अगर आपको हमारी मदद करनी है तो करें, वरना फिर हम कहीं और जा रहे हैं। क्यों अभी शाम हो रही है और घर भी जाना है। हाँ जमजम कह तो आप ठीक रही हो, हमने घर भी जाना है, लेकिन जमजम यहाँ पे कोई किसी गरीब को नहीं देखता। बड़े बड़े लोग जिनके पास इतना पैसा होता है वो भी इतने छोटे छोटे दिल लेके बैठे हैं। छोड़ो आप ही, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो चलते हैं। रुको बहन। क्या हो गया मुसा? पापा क्या करते हैं आप, उनको क्यों रोक दिया?
वो मांग वो मुसाफिर है पापा, वो जरूरतमंद है। तो मैं क्या करूं, वो मुसाफिर है। तो आपने ही तो कहा था जिसको सही जरूरत होती है और सही वक्त पर आप उसी को पैसे देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? और तुम, आपको कैसे पता है कि वो ठीक है? एक तो वो इतनी दूर से आए हैं जैसे वो कह रहे हैं। वो दूर से आए हैं तो क्या हुआ? ना उनके पास उनका मोबाइल है, ना उनके पास उनके पैसे हैं, तो आप थोड़ी मदद कर दे। अरे उनका हुलिया देख रहे हो पापा, इंसान हुलिये से नहीं इंसानियत से पहचाना जाता है। अरे इंसानी, मैं कब कह रहा हूँ यार ये इंसान नहीं है, लेकिन ये इनकी हालत लग रही है। मुझे तो ये बहरूपिये लग रहे, बहरूपिये। अरे पापा, अगर वो बड़े बंदे हैं या हट्टे कट्टे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कभी मुसीबत नहीं आ सकती। यार पापा आप कंजूस बन जाते हैं, निकाले पर्स अपना, दे पैसे उन्हें। अरे पर्स तो मैं लाया नहीं, यही दो दो एक हजार रुपया मेरे पास होगा। दे इधर, इधर आओ छोटी, ये लो पैसे। शुक्रिया भाई आपका, इन अंकल का नहीं। अरे हाँ भाई, आपने एक जरूरतमंद की मदद की, आपको अल्लाह बहुत देगा। चल समझ चल। अरे ये दे। अरे पापा कुछ नहीं होता, बड़ा दिल रखा करें। अच्छा बाकी वो मोटरसाइकिल पे वर्कशॉप में तैयार हो गई होगी, मोटरसाइकिल चलते हैं। आए वो पैसे तो वर्कशॉप वाले तो उनको दे दिए यार, क्या करते हो। चलो बात चल के करते हैं उनसे, पुराना अपना है वर्कशॉप वाला, उनसे कोई बात हो जाएगी। आओ चलो। अरे वाह, आपकी इस प्लानिंग की वजह से मेरी मौज लग गई। अरे देखा, आप ही के साथ प्लान करोगे तो कभी घाटे में नहीं जाओगे, मजा आ रहा है ना? हाँ। तो गर्म मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हो? अरे अपी बातें बाद में करेंगे, जल्दी से घर चलो, इससे पहले पापा देख ले। अरे हाँ चलो चलो चलो। अरे भाई रुको, क्या कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा हम लोगों को, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। हाँ सही। बाइक थोड़ी आहिस्ता चलाएं, मेन रोड के ऊपर है आप। अरे अभी पता ही कौन है? कौन है? यही वो ही जो हमने जिनसे पैसे मांगे थे। अरे हेलो, अरे अरे चल 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 चल। अरे रुको तो सही, पापा ये तो वही बात हो गई। अरे मैंने आपको बताया ही था ना, देखा उनका रूप। अरे बेटा ये दुनिया है, जो दिखती है वो होती नहीं, और जो नहीं होती वही दिखती है। किसी ने सच कहा बाबा, झूठ कभी नहीं छुपता। ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरों का भी हक मारते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम मुसा तनवीर फ्रॉम दुबई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो से हमें ये लेसन मिला। आओ जमजम, आप भी आ जाओ। आ जाओ जमजम। तो मैं कह रहा था, इस वीडियो से हमें ये लेसन मिलता है कि कभी भी हमें किसी का भी हक मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हक मारना बहुत बुरी बात होती है। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी की मदद ना करें, लेकिन पहले उस बंदे को अच्छी तरह जान लें कि वो सही भी है कि बहरूपी है। बाकी हम मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। कंप्लीट हो गई है, हम लोग आए थे, 2 hours लगे हैं वीडियो कंप्लीट करने में। 2 hours लगे, और बाइक से कभी घर तो कभी इधर, कभी घर कभी इधर, हमें बीच में घर जाना पड़ा था आइसक्रीम लेने। इससे आपकी आइसक्रीम का क्या हुआ? वो तो रोड पे ही गिर गई। इससे गिर गई थी, सीन ले रहे थे, सीन में ब्लूपर्स तो कभी कभार हो ही जाते हैं। फिर मोटरसाइकिल गिर गई और चोट लगी। कैसे गिरी? हाँ मोटरसाइकिल, पापा उतार रहे थे वो, तो पापा के ना पाँव पे चोट लगी। देखो पापा के इतना वजन होता है ना मोटरसाइकिल का, तो पापा के पाँव पे यहाँ पे चोट लगी, चोट लग गई। और जल भी तो सकता था। वैसे भी सीन के दौरान ये चीजें होती रहती है, तो हम यूज टू हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी मेहनत, हमें जरूर बताना है। हमारी शूटिंग में मेहनत ही होती है, कभी इधर कभी उधर, तो वो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो बाकी हम मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। चलो पापा चलो, स्टार्ट करो मुझसे।